हमारे दक्षिणेश्वर काली मंदिर, हमारे काली माँ का मंदिर, हमारे कामाख्या मंदिर, हमारे वैष्णो देवी मंदिर, हमारे गया, हमारे मथुरा, हमारा वृंदावन, ये सब मिलके जितना लोगों को रोजगार देते हैं ना, एक सरकार भी अपना लोगों को रोजगार नहीं देती। ममता दीदी ने कितना लोगों को रोजगार दिया? 3 साल पहले मई महीना में मैं भी चीफ मिनिस्टर का शपथ लिया और ममता बनर्जी ने भी चीफ मिनिस्टर का शपथ लिया। मेरा पास क्या है? मेरा पास एक प्रदेश है जो प्रदेश में 30 साल से कानून व्यवस्था नहीं थे। मेरा पास एक प्रदेश है जो प्रदेश में 4,000, 5,000, 20,000 लोगों का हाथ में AK-47 थे। मेरा पास एक प्रदेश थे हर महीना में बम ब्लास्ट होते थे, लेकिन मोदी जी से हमने मार्गदर्शन लिया। 2014 का बाद असम में कोई गड़बड़ी नहीं होते हैं, लोग सुख शांति में रहते हैं। आज 3 साल पहले जब मैं मुख्यमंत्री बना, मोदी जी ने मुझको बोला कि पहला साल में ही 1 लाख युवाओं को नौकरी देना है। हमने प्रयास किया, ट्रांसपेरेंटली एग्जाम किया और 10 में जो दिन मैंने शपथ लिया था, हर बच्चा को हमने गुवाहाटी बुलाया, स्टेडियम में लोगों को बैठाया और एक एक का हाथों में अपॉइंटमेंट लेटर उठा दिया, भाई जाओ नौकरी करो। 1 लाख नौकरी देने का बाद लास्ट महीना चुनाव का पहले मैं और 50,000 नौकरी का एडवर्टाइज भी दे के आया हूं कि और 50,000 नौकरी होना चाहिए। बंगाल में हमारा असम क्या है, बंगाल से 1/4 साइज से भी, इकोनॉमी से भी और संपत्ति का आधार में भी मेरा पास 25 पैसा है, बंगाल का पास 1 रुपया है। मैं गरीब प्रदेश से आता हूं, बंगाल हमेशा भारत का सबसे संपत्तिशाली प्रदेश में माना जाते हैं, लेकिन बंगाल में क्या हुआ, 3 साल में 23,000 शिक्षक का नियुक्ति हुआ और रुपया का पहाड़ पार्थ चटर्जी का घर में निकाला, रुपया का पहाड़ निकाला और रुपया का साथ साथ गर्लफ्रेंड भी निकाल दिया। जो उम्र में भगवान के पास जाना है वो उम्र में लोगों का गर्लफ्रेंड पैदा हो जाता है, जवान हो जाते हैं। मैं ममता दीदी को मिलने से पूछूंगा और टेबलेट मुझको भी दीजिए, थोड़ा हम भी जवान होने का मन है। आप सोचिए तो, और गरीब बच्चा का पैसा भी दिया, अभी नौकरी भी हाई कोर्ट ने खाली कर दिया, ऐसा हो सकता है क्या? आपको तो कम से कम 3 साल में 3 लाख युवाओं को नौकरी देना चाहिए था, कम से कम सरकारी नौकरी में तुष्टीकरण का राजनीति तो मत करो, लेकिन आप में कुछ नहीं देखते हो। जैसे धृतराष्ट्र ने पट्टी डाल लिया था, अभी ममता जी ने भी आंखों में पट्टी डाल लिया, शाहजहां जो करना है करो, हमें सीएम बने रहने दो। कैसे इतिहास कैसे ममता बनर्जी को लिखेगा? क्या ममता बनर्जी का समय में क्या पश्चिम बंगाल में उद्योग आया? क्या पश्चिम बंगाल में विकास हुआ? क्या पश्चिम बंगाल में युवाओं को नौकरी मिला? मैं ममता जी को पूछना चाहता हूं, आप कैसे चाहते हो इतिहास आपका बारे में क्या लिखना चाहिए? क्या यही लिखना चाहिए था कि बंगाल में आपने लोगों को
तुष्टिकरण का राजनीति करके मेरा माँ और बहनों को अपने सब कुछ किया जो एक भी होना नहीं चाहिए था, जो ना होना चाहिए था अपने सब कुछ करवाया, और जो होना चाहिए था अपने कुछ भी नहीं किया। आज हमारे उत्तर पूर्व का जो हम लोग प्रदेश है, हम बंगाल का तरफ देखता हूं कि बंगाल हमें भी सिखाएगा और बंगाल से हम सीखेगा, लेकिन आज क्या सीखेगा बोलिए। मेरा असम में पेट्रोल का कीमत 96 रुपीज है और कलकत्ता में पेट्रोल का कीमत 103 रुपया है। क्या ऐसे हो सकता है गुवाहाटी में पेट्रोल 1 लीटर 96 रुपया में मिलते हैं, 96 रुपया 96 टाका 1 लीटर पेट्रोल दाम, और बंगाल में 103 टका 1 लीटर पेट्रोल दाम, डीजल में भी 3 रुपया गुवाहाटी से कलकत्ता का दाम ज्यादा है। अभी मैं क्या सीखूं, यहां आके मैं क्या सीखूं, लोगों का जेब काटना पड़ेगा गुवाहाटी जाके कि बंगाल में 103 रुपया है, तुम भी 103 रुपया देना स्टार्ट करो। आज मेरा यहां सीखने का क्या है, मैं यहां के शेख शाहजहां सीखो, आज क्या है सीखने के लिए। आपने नेताजी का बंगाल को क्या बना दिया, आपने गुरुदेव का बंगाल को आपने क्या बना दिया। आज बंगाल का सरकारी कर्मचारी को डीए मिलता है 14%, हाई कोर्ट में केस होते हैं, हाई कोर्ट बोलते हैं कि आपको डीए देना पड़ेगा, लेकिन ममता दी डीए नहीं देते हैं। मैं क्या सीखूं, असम में मैं सरकारी कर्मचारी को 50% डीए देता हूं हर महीना। बंगाल मेरे से 4 गुना बड़ा प्रदेश है। मैं ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, जो पुलिस आपके लिए दिन रात ड्यूटी करते हो, जो ऑफिसर आपके लिए नियम का बाहर जाके भी ड्यूटी करते हो, आप इसको क्या देते हो, 14% डीए देते हो। और असम जैसा प्रदेश में हम 50% डीए देता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट का, समान सेंट्रल गवर्नमेंट का बराबर। मुझको बोलने में अच्छा नहीं लगते हैं, किसलिए, मैं यहां सीखने के लिए आता हूं, मैं यहां सीखने के लिए आता हूं, लेकिन कुछ छोड़ा ही नहीं। यहां क्या सीखो, सरकारी नौकरी देने में करप्शन करने के लिए सीखो, तुष्टिकरण का राजनीति सीखो, यहां मैं क्या सीखो। आज तो ममता दी ने जो दिखा दिया कि रामकृष्ण मिशन को भी धमकाओ, मैं ये सीखू आज यहां आके, आपने क्या बना दिया ये बंगाल को, आपने क्या बना दिया, कौन सा सेकुलरिज्म। बंगाल में कोई सेकुलरिज्म नहीं है, बंगाल में एक कम्युनिटी का दबदबा है और कुछ नहीं है। सेकुलरिज्म का ये डेफिनेशन नहीं है। सेकुलरिज्म का डेफिनेशन ये नहीं हो सकता है। मैं जब असम में सीएम बना, मेरा पास फाइल आया कि मद्रासा शिक्षक को सैलरी देना चाहिए। मैं बोला मद्रासा क्या होता है, बोला मद्रासा स्कूल होते हैं। क्या मद्रासा स्कूल से डॉक्टर बनते हैं, नहीं, इंजीनियर बनते नहीं, प्रोफेसर बनते नहीं। तो मैं अधिकारी को बोला, अगर डॉक्टर भी नहीं बनते हैं, इंजीनियर भी नहीं बनते हैं, प्रोफेसर भी नहीं बनते हैं, और स्कूल से क्या बनता है, बोला साहब मुल्ला बनते हैं। अरे मुल्ला बनाने का काम हमारा है क्या, हमारा काम है डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, साइंटिस्ट बनाना।
मैंने ऑफिसर को बोला ये दुकान आज से बंद करो, ये दुकान बंद करो। ऑफिसर ने बोला सर बहुत हल्ला हो जाएगा, मैं बोला हल्ला मैं निपट लूंगा, तुम जाके तुरंत दुकान बंद करो। किसी को हल्ला करने का कोई सांस ही नहीं मिला, लेकिन आज वही मद्रासा आज स्कूल बन गया, वही स्कूल से आज लोग मैट्रिक हायर सेकेंडरी में फर्स्ट डिवीजन मिलना शुरू हो गया। सेकुलरिज्म मद्रासा खोलने में नहीं होता है। मैं सीपीएम को भी बोलना चाहता हूं, आप लोगों ने भी खराब किया। सेकुलरिज्म का मतलब मद्रासा नहीं है, सेकुलरिज्म का मतलब है मुसलमान बेटा बेटियों को भी डॉक्टर बनाओ, साइंटिस्ट बनाओ, इंजीनियर बनाओ। लेकिन आप लोगों ने सेकुलरिज्म का मतलब क्या लिखा, मद्रासा खोलो और मुल्ला बनाओ। ऐसे देश चल सकता है क्या? मेरा असम में 36% मुसलमान है। मैं मुसलमान माताओं का पास जाता हूं, सीधा जाता हूं, मैं पूछता हूं माताओं को, आपको अच्छा लगता है आपका पति दो दो घर में और बीबियां ले आते हैं? माता लोग मेरा सामने रोना स्टार्ट कर देते हैं, रोते हैं कि मैं मना किया, मेरा बात नहीं माना। पहले एक शादी किया, फिर दो शादी किया, फिर तीन शादी किया। अगर वो मेरा बेटी होते थे, आज ममता दीदी मुसलमान का माताओं के लिए आवाज नहीं उठाएगा। हमने निर्णय किया 400 सीट मिलेगा, 400 शादी करने का दुकान भी हम लोग बंद कर देंगे। ये 400 शादी करने का दुकान बंद होना चाहिए, वही सेकुलरिज्म है। अगर कोई लेफ्टिस्ट लोग मुझको आके मेरा साथ बात करते हैं, मैं उनको सिखाता हूं कि 4 शादियां करेगा, 15-20 बच्चा होगा, एक भी बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, ये सेकुलरिज्म नहीं है। एक शादी करो, 2 बच्चा, 3 बच्चा, तीनों को स्कूल में पढ़ाओ, वही सेकुलरिज्म है, समझ लेना। भाइयों और बहनों, पहले लेफ्ट उसका बाद टीएमसी पूजा को उत्सव बना के सबसे बड़ा गलती किया। पूजा उत्सव नहीं हो सकता है, पूजा में हमारा मंत्र होते हैं और मंत्र में हमें आध्यात्मिक शक्ति मिलता हूं। मां आते हैं बसंत में, शरत में हमें आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, उत्सव मनाने के लिए मां नहीं आते हैं। मां का पास काला नाइट बनाने का समय नहीं है, मां उत्सव बनाने नहीं आते हैं, मां हमें आशीर्वाद देने आते हैं। आप बोल उसको भी उत्सव बना दिया। मैं ढाका में जाता हूं, पूजा नहीं उत्सव। अरे बेटा लिखो ना, ईद भी नहीं है, ईद उत्सव है। वो लिखने का दम नहीं है, टूट जाएगा ये लोग। ये लोगों का सेकुलरिज्म है, हिंदू संस्थाओं को अटैक करो, हिंदू मंदिरों का जगह में मस्जिद बनाओ, हिंदू लोग राम नामी कपड़ा मत पहनो, लेकिन मैं नमाज का टूपी पहनूंगा। ये आज सेकुलरिज्म का आज ये नया डेफिनेशन है। अगर संदेश खाली में जो कुछ किया उसका नाम अगर शाहजहां नहीं होके, उसका नाम अगर कोई दूसरे होते थे, उसका नाम अगर सिलभद्र जी होते थे, क्या ममता जी सूद देते थे? उसका नाम अगर हिमंत बिस्व होते थे, क्या ममता जी सूद देते थे? उसका नाम अगर शुभेंदु होते थे, क्या उनको ममता जी सूद देते थे? आज आप जो करो, अगर एक विशेष वर्ग का हो, आपका ऊपर कोई कानून नहीं है, आप जो चाहे वो कर सकते हो। आप कौन सा बात कर रहा है, तुष्टिकरण का राजनीति, विकास का जगह में कुछ नहीं है,
युवाओं का पास नौकरी नहीं है, सरकारी कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिलते हैं। आज आप क्या दिखा रहा है हमें, आप क्या कर रहा है? बोले मैं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने नहीं दूंगा। अरे तुम क्या भगवान है? तुम क्या भगवान है? तुम क्या देश को और भारतीय को तुम्हारा इशारा में चलता है? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री था और मोदी जी प्रधानमंत्री 7 जून बनने वाला है। भाई और बहनों, बंगाल में लोकसभा चुनाव तो हम जीतेंगे, लेकिन उससे समाप्त नहीं होते हैं। हमारा नॉर्थ ईस्ट का, हमारे ईस्ट इंडिया का तब तक डेवलपमेंट नहीं होगा जब तक बंगाल ठीक नहीं होगा। बंगाल से ही हमारा सब कुछ होते हैं। आज अगर बंगाल से ट्रक जाते हैं, एक एक ट्रक को हाईवे में 1-1 लाख रुपया देना पड़ता है, और ये 1 लाख रुपया कहां जाते हैं नहीं जाते अलग बात, लेकिन गुवाहाटी में सामान का दाम में ये 1 लाख रुपया इजाफा हो जाता है और गरीबों से वो पैसा व्यापारी लोग उठाता है। हमारे पूर्व भारत के लिए, हमारे उत्तर पूर्व भारत के लिए बंगाल एक बहुत बड़ा प्रदेश है। एक बार बंगाल सही बात में सेकुलर हो जाते हैं ना, हिंदू होने का जरूरत नहीं, खाली सेकुलर बन जाइए तब भी बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन अभी सेकुलरिज्म यहां नहीं है, या तुष्टीकरण का राजनीति चल रहा है, तुष्टीकरण का राजनीति चल रहा है। उससे हमें मुक्ति चाहिए, पूरा देश को मुक्ति चाहिए। हमारा स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक जब जब देश को बंगाल ने नेतृत्व दिया, ये देश ने चमत्कार करके दिखाया है। बंगाल के अंदर में इतना शक्ति है, स्वाधीनता आंदोलन से लेकर आज तक और उससे भी आगे तक जब देश को बंगाल ने नेतृत्व दिया, ये भारतवर्ष हर बार महान हुआ। मैं मानता हूं एक बार बंगाल में परिवर्तन आते हैं, स्वामी विवेकानंद जी को मानने वाला सरकार आते हैं, हमारा भारत भी विश्व गुरु बन जाएगा, ये मैं विश्वास करता हूं। आज टीएमसी का मुंह से भारत विश्व गुरु है आप ये नहीं सुनेगा, बोलेगा मैं लक्ष्मी भंडार दे दिया। कौन सा लक्ष्मी दिया आपने? युवाओं को नौकरी नहीं दिया, कोई बैंक लोन नहीं है। अब माताओं को 500 रुपया देते थे, अभी 1000 रुपया देते हैं। ममता दी, मैं नौकरी भी देता हूं और हर महीना में माताओं को 1250 रुपया भी देता हूं। हम हर नौजवान को बिजनेस करने के लिए 2 लाख रुपया बिना दहेज हम हाथ में भी उठा देता हूं। लक्ष्मी भंडार बंद कर देगा भाई। हमारा सरकार मध्य प्रदेश में 1250 रुपया देते हैं, छत्तीसगढ़ में 1000 रुपया देते हैं, असम में 1250 रुपया देते हैं। बंगाल में हम युवाओं को नौकरी भी दूंगा, काम करने के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन भी दूंगा और 3000 रुपया का लक्ष्मी भंडार भी दूंगा। बीजेपी सब कुछ करने के लिए तैयार है, इसलिए हम चाहता हूं कि ये बंगाल एक बार भारत को शक्ति देना स्टार्ट कर देगा तो हमारा भारत का जीडीपी भी बढ़ेगा, भारत का इकोनॉमी भी बढ़ेगा, सांस्कृतिक भारत भी वैभवशाली होगा और भारत विश्व गुरु बन जाएगा, ये मैं विश्वास करता हूं। मैं आप लोगों को निवेदन करूंगा, ममता जी सरकार नहीं बनाएगा, खुद बोल दिया कि मैं बाहर से समर्थन करूंगा। 2019 में बोल रहा था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, अभी समझ गया प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। 2 दिन पहले उन्होंने बोला कि मैं बाहर से समर्थन दूंगा,
और अभी दादा ने बोला हमें समर्थन नहीं चाहिए। आप देखिए बंगाल का मुख्यमंत्री का हालत क्या है। मैं समर्थन दे रहा हूं, कांग्रेस बोल रहा है समर्थन नहीं चाहिए। क्या अधीर रंजन चौधरी का दिमाग चलता है? उनको मालूम हो गया 2-3 सीट जीतेगा उसका सपोर्ट लेके हम क्या करने वाला है, उनका दिमाग चलता है? कोई सीट मिलने वाला नहीं है बोलते हैं। नहीं नहीं, बंगाल को राम का प्रदेश नहीं है, बंगाल काली का है। अरे भाई, अब हिंदू मुसलमान में झगड़ा करवाते हो, अभी राम शिव विष्णु का बीच में भी झगड़ा करवा देगा। काली क्या है, दुर्गा क्या है, हमारे लक्ष्मी क्या है, हमारे कृष्ण क्या है, हमारे विष्णु क्या है, हमारा ब्रह्मा क्या है, हमारे लिए परम ब्रह्म है। आप उसमें भी डिवीजन कर देगा? नहीं नहीं, काली माँ टीएमसी का है, राम बीजेपी का है, कृष्ण कांग्रेस का है। आप इतना तक चला जाएगा? आप काली माँ का भी मंत्र सुनिए, वहां में भी विष्णु का तर्पण होते हैं, वहां में भी विष्णु का मंत्र किया जाता है। आप दुर्गा पूजा सुनिए, वहां में भी शिव जी का पूजा होते हैं। अब हिंदू धर्म को भी अब टीएमसी बीजेपी कांग्रेस कर देगा? हम काली है, हम राम नहीं है। अरे ममता जी, हम हिंदू है, हम हिंदू है। क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, बंगाल काली मानते हैं, माँ काली को मानते हैं। मैं गुवाहाटी जाके बोलूंगा मैं कामाख्या को मानता हूं, कोई जाके वो बोलेगा नहीं नहीं हम राम को मानूंगा। मतलब आप देखिए कितना गहरा शरण है कि एक एक भगवान का नाम में हिंदू लड़ो और बढ़िया से जो लोगों को मोस करना है करते रहने दो। कितना स्मार्ट दिमाग है आप सोचिए। मैं ममता जी को पूछना चाहता हूं, आप माँ काली का भी एक कैंप बनाना चाहते हो और राम का भी एक कैंप बनाना चाहते हो, कितना दिमाग चलते हो? जाके शाहजहां में कुछ कैंप बनाओ ना, जाओ तब देखा जाएगा कि ये उत्तर में है, ये पश्चिम में है, दोनों अलग अलग है, ऐसा कुछ करो। वो करने का तो दम नहीं है। अब हिंदू में भी कैंप बनाते रहो, क्या तेज दिमाग है मालूम है? एक बार हिंदू एक हो जाएगा ना तो शेख शाहजहां वाला व्यक्ति का हिसाब 10 मिनट में हो जाएगा। बोलते नहीं नहीं, कलकत्ता में तो लोग सेकुलर है। अरे कौन सा सेकुलर है? सेकुलर का मीनिंग क्या है? मदरसा खोलने वाला सेकुलर है क्या? मैं तो नहीं मानता हूं। कलकत्ता लोगों का मतलब सेकुलर है, मतलब सबके लिए एजुकेशन होना चाहिए। सेकुलर है मतलब सबके लिए हेल्थ केयर होना चाहिए। सेकुलर है मतलब सब बच्चाओं को नौकरी मिलना चाहिए। सेकुलर है इसीलिए सरकार मुल्ला बनाइए, ऐसा सेकुलर कोई भी नहीं है। इतना हमसे आशा भी मत करो। ये क्या क्या नया सेकुलरिज्म का डेफिनेशन लेके आते हैं। मैं बार बार बुलाता हूं, इतना बढ़िया से धीरे 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 पूजा को ही उत्सव बना दिया, धीरे धीरे पॉइजनिंग करके 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 पूजा को उत्सव बना दिया। ये सबसे हमें बाहर निकालना है, यहां से हमें बाहर निकालना है। बंगाल का जनता मां काली का आशीर्वाद से शक्तिमान है। एक बार बंगाल जागृत हो जाएगा ना, भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रुकवा रुक नहीं सकता है, यह मैं विश्वास करता हूं। भाई और बहनों, मैं ममता दीदी को बोलना चाहूंगा, आप लक्ष्मी भंडार देते हो, हम बहुत खुश करेगा। बंगाल का युवाओं को हम नौकरी भी दूंगा, इंडस्ट्री भी होगा और यही बंगाल यही बांग्ला देश को इंस्पायर करेगा। हर बात में मोदी जी से लड़ लेते हो, क्या जरूरत है? हर बात में लड़ लेते हो, कोई जरूरत नहीं है। कोई मुख्यमंत्री नहीं लड़ता है, वो लड़ लेते हैं। किस लिए लड़ता है? वो दिल से नहीं लड़ता है, शेख शाहन पार्टी खुश रहे इसलिए लड़ते हैं, दिखाने के लिए। मैं जानता हूं एक्चुअली नहीं लड़ता है वो,
खाली एक इमेज क्रिएट करता है, मैं एंटी मोदी हूं इसीलिए हमें वोट दो। सब ड्रामा है। बोलता बंगाल को केंद्र सरकार पैसा नहीं देते हैं, क्यों नहीं देगा? आप हिसाब किताब करके देखो, आप रुपया लेते हो, आवास योजना का स्कीम लाते हो और फिर केंद्रीय सरकार का नाम निशाना मिटा देते हो, ये क्या सरकार है भाई? भागीदारी से सरकार चलते हैं, लेकिन आप भागीदारी को विश्वास नहीं करते हो। कोई भी आते हो, अभी आसाम से मेरा कार्यकर्ता आया, हर दिन फोन करते, दादा हमारा नाम में एक एक केस रजिस्टर हो गया। हम बोला चलो ये ममता बनर्जी का गिफ्ट है, लेके सलाना आसाम में, बाद में देखा जाएगा। हर कार्यकर्ता का केस रजिस्टर होना, अरे भाई किसको धमकाते हो? अगर धमकाना ही है शाहजहां को धमकाओ ना, तब मानूंगा ना तुम्हारा धमकाने का शक्ति है। किसको धमकाते हो? बीजेपी का कार्यकर्ता। ये कोई धमकाने वाला काम हुआ? अगर धमकाना ही था पार्थव चटर्जी को धमकाना था कि गरीब से रुपया मत लेना, अगर धमकाना ही था अनुप्रत मंडल को धमकाना था कि गाय का तस्करी मत करो, जहां धमकाना था वहां तो धमका नहीं सकते हो, कर ही नहीं सकता हो। और किसको धमकाते हो? जो भी बंगाल में आते हैं एक एक केस लगा देते हो। क्या सिस्टम बना के रखते हो? अगर आप असम में आए मैं एक केस लगाता हूं, आप उड़ीसा में जाओ उड़ीसा एक केस लगाते हो, आप बिहार में जाओ एक बिहार में केस लगते हो, तो भारत तो खंडित हो जाएगा। आप किसका हाथ में आप खेल रहे हो? इतिहास आपको कैसे देखना चाहिए? मैं तो चाहता हूं आप ऐसे राजनीति करो, इतिहास आपको करुणा का मूर्ति मानना चाहिए। आप खड़ा हो जाओ एक बार संदेश कालिका मां और बहनों का साथ, आपको इतिहास आपको नमस्ते करेगा, इतिहास आपका बारे में लिखेगा। आज आपने हमारे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साइल वार्ड एसएसकेएम हॉस्पिटल का साइल वार्ड भी आपने टीएमसी का क्रिमिनल वार्ड बना दिया कि नहीं दिया? अगर बच्चा, कितना बच्चा वो समय आईसीयू चाहिए था, कितना बच्चा वो समय ऑक्सीजन का सपोर्ट चाहिए था। अभी ऑक्सीजन बच्चा को नहीं मिल रहा है, शेख शाहजहां को मिल रहा है। अब देखो ये दुनिया घूमो, खराब से खराब मुख्यमंत्री को देखो, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं है कि साइल वार्ड को क्रिमिनल वार्ड बना देने का, किसी का इतना हिम्मत नहीं है। सबका अंतरात्मा रोएगा। पता नहीं ममता दीदी का क्या है, मैं तो चाहता वो मां का मूर्ति बने, करुणा का मूर्ति बने। जो हो गया हो गया, ये चुनाव का बात आप जनता का साथ खड़ा हो, संदेश खाली को आप न्याय दे दो, वोट आएगा जाएगा, लेकिन ये हमारे जननी जन्मभूमि है, इससे बड़ा कोई नहीं होता है। मैं मुख्यमंत्री बनू ना बनू कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा जननी जन्मभूमि विश्व गुरु बनना चाहिए। व्यक्ति से क्या होगा? देश में औरंगजेब जैसा भी लोग जन्म हुआ था, सोचा था हम पावर दिखा के ये पूरा इतिहास को कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन आज इतिहास औरंगजेब को करुणा का मूर्ति का हिसाब से नहीं देखते हैं, आज उस रूप से नहीं देखते हैं। ममता दी, ये चुनाव का बात भी आपका पास 2 साल समय है, छोड़ दीजिए कौन शाहजहां है, ये सीमाओं का प्रदेश है। आप बोलते हैं मैं सीए को लागू होने नहीं दूंगा, क्या हिंदुओं को नागरिकत्व नहीं मिलना चाहिए? बंगाली हिंदू कहां जाएगा?
बंगाली हिंदू ने देश का विभाजन नहीं मांगा था, देश का विभाजन उनका ऊपर थोपा गया था। हमारे बांग्लादेश में रहने हुए वाले बंगाली हिंदू का भी जननी जन्मभूमि भारत ही है, उनको नागरिकत्व मिलने का उनका अधिकार है। अमित शाह जी नागरिकत्व देने का बात करने से बोलते हैं मैं सीए लागू होने नहीं दूंगा। ममता जी आपका इतना हिम्मत भी नहीं है, सीए लागू होना चालू हो गया और ये होते रहेगा, कुछ नहीं कर सकते। आपका शाहजहां से देश का हर लोग नहीं डरेगा, आप चिंता मत करो, उनसे नहीं डरने वाला लोग भी भारत माता ने जन्म दे के रखा है। अगर भारत माता ने औरंगजेब को कष्ट से जन्म दिया था, साथ में उनका साथ लड़ने के लिए शिवाजी महाराज लसित बरफुकन गुरु गोविंद सिंह जी को भी जन्म दिया। यह मेरा देश है, अगर भारत ने ब्रिटिश आए थे तो भारत मां ने सांस्कृतिक नवयागरण के लिए स्वामी विवेकानंद को भी जन्म दिया था। अगर भारत में ब्रिटिश आए थे, ब्रिटिश को भगाने के लिए महात्मा गांधी को भी जन्म दिया था। अगर भारत मां ने शेख शाहजहां को जन्म दिया है, यही भारत मां ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी जन्म दिया है। आप मान लेना, मैं आपको विनती करता हूं, 2 साल आपका हाथ में है, कुछ ऐसा करो जिससे हम हिंदू समाज सुरक्षित महसूस कर सकता हूं। सभा हो जाएगा, जो भी सभा में आएगा पिटना शुरू हो गया। यह क्या पश्चिम बांग्ला है? मैं चुनाव प्रसार में आया, इतना बड़ा बड़ा पत्थर मेरा ऊपर पड़ा। अरे आप तो जाते हैं आसाम में, हम तो ऐसा कभी नहीं करता हूं। ये क्या संस्कृति है? ये कहां से आपने क्या आया? ये हमारा संस्कृति नहीं है, ये मुगलों का संस्कृति है, ये मुगलों का संस्कृति है। ये संस्कृति आप मत लाइए। आपका पास 2 साल है, आप ठीक हो जाइए, मैं मां काली को प्रार्थना करता हूं। अब हिंदू समाज का साथ खड़ा हो जाइए, मोदी जी का साथ खड़ा हो जाइए, यह देश आगे बढ़ेगा, पश्चिम बंगला भी विकास करेगा, देश भी विश्वगुरु बनेगा। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।